नमस्कार मेरे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों माय डियर गॉड्स माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स सभी को पीएमसी हिंदी के प्रेक्षकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं परिणीता हूं और आप सबके सामने एक स्वाध्याय कॉन्सेप्ट लिए आपके सामने आई हूं ये जो कॉन्सेप्ट है हमने टॉर्कम सेरेडेरिन का लिखा हुआ लीडरशिप वॉल्यूम वन से लिया है जो आप सभी पढ़ सकते हैं लीडरशिप सीरीज है उसमें पांच वॉल्यूम्स हैं ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने वाली हूँ वो वॉल्यूम वन से लिया हुआ है और वो क्या है आप सब जानना चाहते हैं तो ये है माई डियर फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट है वादों का कसमों का हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी से कोई वादा कोई कसम किया ही होगा तो हम ये वादों का और कसमों का कितना मायने रखता है हमारी जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट है और हम जो भी वादे करते हैं कसम करते हैं वो निभाते हैं या छोड़ देते हैं या फिर भूल जाते हैं या फिर करते ही नहीं हैं साइंस ऑफ प्रोमिस माई डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही बहुत ही संगीन चीज है जो हम भूल जाते हैं इसके इंपॉर्टेंस ये जो हम प्रॉमिस करते हैं वो निभाना ही पड़ेगा बहुत सारे महान व्यक्ति बोले हैं कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए क्यों बोलते हैं ये इतनी महत्वपूर्णता है एक वादे के लिए एक कसम के लिए कैसे हमारे जिंदगी को वो इफेक्ट करेगा क्या क्या हो सकता है अगर हम वादा निभाएंगे और अगर नहीं निभाएंगे हमारे माइंड में जो है ना हमारे जो दिमाग में है एक पैटर्न चलता रहता है सही चीज जो चलना चाहिए वैसा पैटर्न चलता रहता है जब तक हम अपनी प्रोमिस को निभाते जाते हैं तब तक वो पैटर्न में कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है लेकिन जब हम कुछ प्रॉमिस करते हैं कुछ वादा या फिर फिर कसम खाते हैं अगर वो नहीं निभाते हैं तो ये पैटर्न जो है ना पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा जो माइंड का जो पैटर्न है वो शॉर्ट सर्क्यूट हो जाता है और हम सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं सही तरीके से बोल नहीं पाते हैं सही तरीके से हम निर्णय नहीं ले पाते हैं तो ये सब हमारे जिंदगी पे प्रभाव डालता है ये जो टूटे हुए वादे हैं टूटे हुए कस्मे हैं ये हमारा जो तीनों शरीर हैं उन तीनों शरीरों पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है वो तीन शरीर क्या है एक भौतिक शरीर है एक भावात्मक शरीर है और एक मानसिक शरीर है ये तीनों शरीरों पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है ये टूटा हुआ वादा और टूटा हुआ कसम माय डियर फ्रेंड्स तो इतनी संगीन चीज जो है हम बहुत ही लाइटली ले लेते हैं इजीली ले लेते हैं हम जब भी शादियों में या फिर Uh, कहीं और बाहर जाते हैं या फिर किसी से मिलते हैं अगर वो आपको अपने घर बुलाते हैं तो आप क्या करते हैं बोलते हैं हाँ मैं जरूर आऊंगी आपके घर लेकिन आपको नहीं जाना था उनके घर सिर्फ उनको खुश करने के लिए हम बोल देते हैं कि हाँ भाई मैं जरूर आऊंगी या फिर जरूर आऊंगा या फिर मैं जरूर फोन करूंगी मैं ये करूंगा करूंगी कुछ ना कुछ मैं हम बोल देते हैं ऐव ही बोल देते हैं लेकिन हमें वो कतई करने का इरादा नहीं होता है ये सब हम दस बार सोच के एक वादा करने से पहले एक कसम खाने से पहले दस बार बीस बार सोच के करना चाहिए क्योंकि जब भी हम वादा करते हैं ना एक छोटा सा धागा एक दूसरे का साथ जुड़ जाता है वो धागा तब तक जुड़ता है जब तक वो वादा हम निभा नहीं लेते हैं या फिर उसको तोड़ नहीं देते हैं दो ही चीज है निभाना या फिर तोड़ना तो ये तीनों शरीरों को ये बहुत ही प्रभाव करता है जब हम कुछ प्रॉमिस कुछ वादा नहीं निभाते हैं तो ये मानसिक शरीर पूरा डिस्टर्ब हो जाता है जैसे मैंने अभी बोला है कि पूरा शॉर्ट सर्क्यूट हो जाता है पूरा पैटर्न गड़बड़ हो जाता है और जब माइंड गड़बड़ हो जाता है तो हमारे भावात्मक शरीर पे भी प्रभाव डालता है हम इमोशंस बहुत भावुक हो जाते हैं तो वो भावनाओं में हम बह जाते हैं क्योंकि जो प्रॉमिस हमने किया है वो हमें डिस्टर्ब करते रहता है कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करते रहता है और हमें पता नहीं चलता कि क्या हमें डिस्टर्ब कर रहा है और जब हमारा दिमाग सही नहीं होता है जब हमारे भाव सही नहीं होता है तो हमारा भौतिक शरीर कैसा सही होगा ये दोनों हमारे भौतिक शरीर पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है कैसे बीमारियों के तौर से तो इन सब की जड़ कहाँ है? टूटा हुआ वादा टूटी हुई कस्में और जब हम वादों के बारे में कस्मों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका बचपन तो आपको याद ही रहा होगा आपके बचपन में आपके माँ बाप या फिर आपके नाना नानी दादा दादी कोई टीचर्स या फिर कोई दोस्त आपके बचपन में कोई ना कोई तो वादा किया ही होगा तोड़ भी दिया होगा आपको याद होगा ना तो आपको कैसा लगा है आपको धक्का लगा आपको चोट पहुंचा कैसा लगा आपको जब कोई वादा तोड़ता है तो बहुत ही दर्द होता है बहुत हम डल हो जाते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं हट हो जाते हैं तो बच्चों को कभी भी गलत वादा नहीं करना चाहिए फॉल्स प्रॉमिस बोलते हैं माई डियर फ्रेंड्स फेक प्रोमिस फॉल्स प्रामिस नहीं देना चाहिए जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना अगर तुम ना ये पास हो जाओ तो मैं आपको साइकिल दिला दूंगा वो पास भी हो जाएगा फर्स्ट रैंक भी ला जाइएगा लेकिन साइकिल नहीं देते हैं बोलते हैं अगले साल फर्स्ट रैंक ला लो मैं फिर आपको साइकिल दिलाऊंगी तो हम ऐसे ऐसे हम झूठे वादे करते हैं बच्चों से अगर हम झूठे वादे बच्चों से कर रहे ना तो उन पे एक धब्बा रह जाएगा एक बहुत ही गहरा बहुत ही गहरा प्रभाव हो जाएगा जो उनके इस धरती पे धरती से जाने तक वो प्रभाव रह जाता है क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इतनी गहरी प्रभाव के शिकार हो नहीं ना तो फिर गलत वादे झूठे वादे बच्चों से कतई मत कीजिए कतई मत कीजिए वो कौन सा भी वादा हो छोटा या बड़ा वादा नहीं होता है वादा वादा होता है और जब भी हम कुछ वादा तोड़ने की सोच रहे हैं मतलब जो धागा हमने बांध लिया है एक दूसरे के साथ अगर वो समझदारी के साथ अगर तो हम तोड़ना चाहते हैं वो ध्यान रखिए कि वो जो प्रोसेस है ना बहुत बाधाकारी होता है तो तोड़ने का जो विचार है वो हमें करना चाहिए एक दूसरे के साथ बैठना है और बताना है एक्सप्लेन करना है कि मैं आपके साथ ये प्रॉमिस किया है लेकिन मैं नहीं निभा सकता हूँ क्योंकि ये 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 वजह हैं। तो जिसके साथ आपने ये वादा किया है वो समझ सकता है कि जो आपने वादा किया है वो इन वजहों से आप निभा नहीं पा रहे हैं तो वो आपको इस वादे से मुक्त कर देता है ऐसा हम तोड़ सकते हैं वो वादा दो ही तरह के हैं डियर फ्रेंड्स निभाना है या फिर समझदारी से उसको तोड़ना है आपस में बैठ के और एक परिस्थिति है जब हम किया हुआ वादा को भूल जाते हैं बहुत सारे ऐसे हम वादे किए होंगे जो हम भूल जाते हैं तो क्या होगा जब भी हम किसी से वादा करते हैं तो हम दूसरे जो व्यक्ति हैं उनमें आशा जगाते हैं कि वो करेगा कि वो फोन करेगा कि वो घर आएगा कि वो जो बोला है जो वादा किया है वो निभाता है आशा जगा के हम छोड़ देते हैं उस व्यक्ति को ये जो आशा है उस व्यक्ति के दिमाग में रह जाता है और वो आशा आपको प्रभाव करता है माय डियर फ्रेंड्स उसको बोलते हैं होप आशा एग्जाम्पल के तौर में बताती हूं आप मुझे मिले और मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपके घर लंच पे आऊँगी तो आप क्या करोगे आप पूरा सामान वेजिटेबल्स पूरे लेके आ जाओगे पूरे ग्रॉसरीज लेके आ जाओगे सामग्री लेके आ जाओगे और कल लंच क्या पकाएंगे वो आप प्लान करते रहेंगे क्योंकि आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपके घर आऊंगी लंच को तो आप सुबह उठते ही तैयारी में जुड़ जाते हैं क्या क्या पकाना है आलू पकाना है बैंगन पकाना है दाल पकाना है क्या पकाना है तो आप वेट करेंगे मेरे लिए कि मैं लंच पे कब आऊंगी आपके घर में लेकिन मैं नहीं आऊंगी तो आपको कैसा लगेगा मैं तो ऐवे ही बोल दिया कि आपके घर लंच आऊंगी आपने तो बहुत सीरियसली ले लिया तो ये होता है एक्सपेक्टेशन माय डियर फ्रेंड्स जब भी हम किसी से वादा करते हैं तो वो मरते दम तक वो एक्सपेक्ट करता रहेगा कि आप वादा निभाओगे तो आप दूसरे व्यक्ति को ऐसे परिस्थिति में डालना चाहोगे कि आप क्या आप अपने आप को वो परिस्थिति में पाना चाहते हो ये याद रखिए कि जो भी हम दूसरों को देते हैं वही हमें देता है कर्म तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स जो भी किसी से भी आपने वादा किया हो वो इमीडिएटली आप निभा सकते हो निभाना चाहिए अगर ऐसा अगर आप वादा करते रहोगे और निभाते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर निभाने का इरादा ही नहीं है तो वादा करते ही मत करिए माय डियर फ्रेंड्स चुप बैठिए चुप अगर मुंह खोलना है वादा करने का इरादा है तब भी मुंह खोलना है या फिर चुप चुप बैठिए यही अच्छा तरीका है जो आप अपने आप को बचा सकते हो और दूसरों को भी बचा सकते हो ये सब हमने बात किया है दूसरों को वादा करने में दूसरों के प्रति कसम खाने में हमें बहुत ही बहुत ही ध्यान में लेना है जब हम दूसरों के साथ वादे करते हैं और अब हम आते हैं अपने आप से वादे करने का जो परिस्थिति है आप अपने आप से कितने वादे कर चुके हैं मैं अपने आप से वादा करूंगी कि मैं रोज पाँच बजे उठ के वॉकिंग करूँगी या फिर मैं रोज नौ बजे से पहले मैं ध्यान करूँगी आप अपने वा अपने आप से कितने कितने वादे कर चुके हैं ये भी बहुत ही बहुत ही प्रभावशाली है माय डियर फ्रेंड्स अपने आप से जो वादे किए हैं ना वो भी आपको निभाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स छोटा या बड़ा वादा नहीं होता है वादा वादा होता है जो आप अपने आप से वादा करते हैं ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको निभाना पड़ेगा नहीं तो वादा ही मत करिए आप सभी ध्यानी हैं है, है कि नहीं हम जब ध्यान करते हैं तो बहुत ही हाई स्टेट में होते हैं हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चैतन्य में रहते हैं है कि नहीं सब एकत्व एक में होता है सब अच्छा रहता है तो हम वादे इस स्थिति में करते हैं माय डियर फ्रेंड्स अपने आप से जब हम हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में रहते हैं तब हम अपने आप से जब हमारा आत्म जो सोल इन्फ्यूज होता है सभी के साथ एकत्व एक में होता है तब हम कोई ना कोई वादे करते हैं अपने आप से तो जब हम इस हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में अपने आप से वादे करते हैं ध्यान से उठने के बाद हम नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो जो हम हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में वादा किया है वो ध्यान से उठने के बाद हम नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स हम जो प्रापंचिक जो परिस्थितियां हैं उसमें बह जाते हैं भावात्मक शरीर जो भी हमें जहां भी वो बहते हैं भाव उसमें हम बह जाते हैं हमारा मन फिर से शुरू हो जाता है सोचने में जब भी हम ये मेडिटेशन के स्टेट में हम प्रॉमिस करते हैं तो एक पोलराइजेशन पॉजिटिव पोलराइजेशन क्रिएट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स उसको बोलते हैं हिंदी में ध्रुवीकरण पॉजिटिव ध्रुवीकरण में हम वो स्टेट में रह जाते हैं लेकिन जब हम वो वादा नहीं निभाते हैं तो वही पॉजिटिव जो ध्रुवीकरण है वो नेगेटिव ध्रुवीकरण हो जाता है नेगेटिव पोलराइजेशन डियर फ्रेंड्स तो वो जब नेगेटिव पोलराइजेशन हो जाता है तो वो जो वादा किया है उसका ठीक ऑपोजिट करता है क्योंकि वो सोल सोल लेवल से पर्सनालिटी लेवल तक आ चुका है तो ठीक ऑपोजिट करने की वजह से क्या होता है अंदर एक जंग छिड़ जाता है जो वादा किया है वो करूं या फिर जो मैं ऑपोजिट कर रहा हूं वो करूं अंदर ही अंदर वो जंग चिढ़ जाता है और वो तय नहीं कर पाता है कि वो क्या करें क्या ना करें लेकिन जो वादा है वो अभी तक जिंदा है क्योंकि वो उसको निभाना ही पड़ेगा जो भी वादा किया है अपने आप से भी आप जो वादे करते हैं आप वो उसको भी निभाना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स और एक विषय पे हम आते हैं जो है एक्सपेक्टेशन प्रॉमिस expectation, नहीं होता है डियर फ्रेंड्स अगर आपने किसी से भी वादा नहीं किया है और फिर भी अगर वो व्यक्ति आपके प्रति एक्सपेक्टेशन रखता है तो वो प्रॉमिस नहीं होता है डियर फ्रेंड्स ये ध्यान में रखिए अगर कोई किस, कोई भी आपको प्रॉमिस नहीं किया है फिर भी आपको उनके प्रति एक्सपेक्टेशंस है तो ये गलत है माय डियर फ्रेंड्स एक्सपेक्टेशंस मत रखिए क्योंकि उन्होंने आपसे कोई वादा नहीं किया है अगर वादा किया है और अगर आपके आपके मन में उनके प्रति एक्सपेक्टेशंस है तो ठीक है लेकिन अगर वादा नहीं किया है फिर भी आपको उनके प्रति एक्सपेक्टेशंस है तो ये बंद कर दीजिए डियर फ्रेंड्स ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना ये बहुत सभी लोगों पर प्रभाव डालता है अगर एक्सपेक्टेशंस है हमारे मन में हमारे दिमाग में हमारी भावनाओं में तो वो वो हमारी एनर्जी ना ड्रेन करते रहता है वो ड्रेन इतना करता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं डल हो जाते हैं सैड हो जाते हैं बहुत ही वो एनर्जी ना पूरा पूरा का छिन जाता है वो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप ये सब होने का परमिशन दे रहे हो ये सब होना चाहिए आपके साथ अगर ये सब परिस्थितियों से आप गुजरना चाहते हो तो एक्सपेक्टेशन रखिए नो प्रॉब्लम लेकिन ये ये सब से गुजरना पड़ेगा आपको डिप्रेशन से डलनेस से सैडनेस से टैक्सेस भरना पड़ेगा तो इन सब के लिए तैयार हैं तो एक्सपेक्टेशंस रखिए आप जब शादी करे हो चाहे कौन सा भी मत हो कौन सा भी रिलीजन हो आप अपने जो स्पाउस हैं जो आपकी पार्टनर है उनसे आप वादा किया होगा शादी होते वक्त कोई मंत्र पढ़ते हैं कोई कुछ बोली बोलते हैं कोई कुछ और तरीके से एक दूसरे के साथ वादा करते हैं माय डियर फ्रेंड्स और बहुत सारे वादे करते हैं कि तुम, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा आ, मैं तुम्हें प्यार करूंगा मैं ये ये सब वादे हम करते हैं हम एक दूसरे से जो शादी करते हैं हस्बैंड अपनी वाइफ से और वाइफ अपनी हस्बैंड से वादे करते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स ये जो वादे हैं ना ये जो शादी में हो रहा है वादे ये और एक उच्च तरीके से वो उत्तम तरीके के वादे हैं जो हायर लेवल तरीके हायर लेवल के वादे हैं क्योंकि ये जो वादे हैं ना ये भगवान को साक्षी मानकर अग्नि को साक्षी मानकर करते हैं इसलिए ये हाइयर है हैं डियर फ्रेंड्स इसको निभाना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स क्योंकि ये हायर प्रोमिस हैं अगर इसको तोड़ना ही है तो एक दूसरे के साथ बैठ के समझदारी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बैठ के उसको सुलझाना है और ये प्रॉमिस को तोड़ सकते हैं डियर फ्रेंड्स ये जो शादी में होता है ये वाद वादा बोलो वचन बोलो कसम बोलो ये बहुत ही माय डियर फ्रेंड्स हायर प्रोमिस हैं माय डियर फ्रेंड्स और एक परिस्थिति है जब डॉक्टर्स एक वचन देते हैं कि आई, मैं अपनी जो प्रोफेशन है अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीस है मैं पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ निभाऊंगा पूरी ईमानदारी के साथ पूरी सच्चाई के साथ मैं निभाऊंगा। आप पॉलिटिशियन हो डॉक्टर हो लॉयर हो या फिर पुलिस हो ये सब जो क्षेत्र हैं उनके साथ जो भी वो नए जो बनते हैं पुलिस ऑफिसर हो या फिर डॉक्टर हो कोई भी हो जब भी वो जॉब लेने में जाते हैं तो ये ओथ बोलते हैं इसको इंग्लिश में वो किया जाता है ये भी एक प्रॉमिस है जो जिसने भी किया है वो पूरी ईमानदारी के साथ पूरी सच्चाई के साथ उसको निभाना पड़ेगा नहीं तो उसको टैक्सेस भरना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ तो ये सब हमें चाहिए क्या ये सब इन चीजों से गुजरना है क्या आपको एनर्जी छोड़ते हुए हमें सोचना चाहिए या नहीं वादा करने से पहले हमें सोचना चाहिए या नहीं कसम खाने से पहले सोचना चाहिए या नहीं या फिर वचन देने से पहले हमें सोचना चाहिए या नहीं आपका निर्णय है सो डियर फ्रेंड्स ये था वादों के पीछे का विज्ञान साइंस ऑफ प्रॉमिसेस डियर फ्रेंड्स आप मुंह खोलने से पहले वादा करने से पहले कसम खाने से पहले वचन देने से पहले दस बार बीच बीस बार सोच के करिए माय डियर फ्रेंड्स अगर आपको करने का इरादा ही नहीं है निभाने का इरादा ही नहीं है तो मत करिए अगर करते हैं तो जरूर निभाइए वो एक्सरसाइज जो मैंने आपको दिया है वो याद रखिए और एक पेन और पेपर लेके लिखिए कि आपने क्या क्या वादे किए हैं क्या क्या नहीं निभाए हैं और क्या क्या निभाए हैं और किन किन चीजों के निभाने की अवसर हैं किन किन चीजों को निभाने के अवसर नहीं है अगर अवसर है तो करिए अगर निभाने की चाह है तो करिए नहीं तो ये बंधन जो है वो जुड़े रहेगा जो भी हमने वादा किया है जो भी हमने नहीं निभाए है वो एक तरफ आज से आप अपने आप से कहिए कि मैं मुंह खोलने से पहले दस बार सोचूंगा वादा करने से पहले दस बार सोचूंगा चाहे वो बच्चे हों बड़े हों अपने आप से हो मास्टर्स से हो या कोई भी हो माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच मुझे ये अवसर देने के लिए ये साइंस ऑफ प्रॉमिसेस जो है आपके सामने लाने के लिए मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा और ये आप अपने लाइफ में लागू करेंगे अपने जीवन में लागू करेंगे और आप हैप्पी रहेंगे खुशहाल रहेंगे थैंक यू वेरी मच माई डियर फ्रेंड्स मैं आपकी परिणीता थैंक यू